सुजानपुर टीरा में प्रदेश के सबसे बड़े मैदान की हालत दयनीय बनी हुई है। चौगान में जंगली घास का उगना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से चौगान की सुंदरता को ग्रहण लगना शुरू हो गया है। बाहर से आने वाले लोगों के लिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रदेश सरकार इस चौगान की दयनीय हालत की सुध क्यों नहीं ले रही है। वहीं प्रशासन भी चौगान की घास उखाड़ने में लगा हुआ है, लेकिन घास उखाड़ने का कार्य बड़े ही धीरे स्तर पर किया जा रहा है, जिससे एक तरफ तो घास काटा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उगना शुरू हो जाता है। ज्ञात रहे कि होली उत्सव के दौरान करोड़ों रुपए की कमाई करने वाला चौगान बदहाली के आंसू बहाने पर मजबूर हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से मांग की है कि घास उखाड़ने की व्यवस्था और रखरखाव के लिए माली की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि ये चौगान की सुंदरता बनी रहे। उपमंडलाधिकारी शिल्पा ने बताया कि शीघ्र ही घास उखाड़ने का काम युद्ध स्तर पर कर दिया गया है और चौगान की रखरखाव के लिए बजट का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने जनता से आग्रह किया है कि सुजानपुर के चौगान में उगी घास को निकालने के लिए वे प्रशासन का सहयोग करें। सुजानपुर का आज बदहाली के आंसू बहाने पे मजबूर होता नजर आ रहा है। इस चौगान में जहां पे प्रशासन के द्वारा लाखों रुपए की कमाई होली उत्सव दौरान इकट्ठी की जाती है, लेकिन प्रशासन इस ग्राउंड की सुत लेने में नजर नहीं आता है, जिसके लिए आज इस चौगान की हालत जो है दयनीय नजर आनी शुरू हो गई है। इस हालत इसमें ना केवल इस चौगान में जो घास जहरीली घास जो उगती नजर आ रही है, उसके लिए प्रशासन के द्वारा ना तो यहाँ पर कोई प्रयास करता नजर आ रहा है, ना इसको उखाड़ने के लिए कोई जहमत उठाई जा रही है, लेकिन कुछ युवाओं के द्वारा इस घास को उखाड़ने का कार्य अब शुरू कर दिया गया है और इस घास को लगातार ये युवा जो हैं इकट्ठा भी कर रहे हैं, ताकि ये शहर ये सुजानपुर का जो चौगान जो है वो देखने भी अच्छा लगे और जो आने वाले बाहर से लोग हैं वो भी इसकी सराहना करते नजर आए। आज हम बात करेंगे जो सुजानपुर चौगान में युवा वर्ग है उससे बात करेंगे। सर, आपको क्या लगा कि इस चौगान की सफाई आपने करना शुरू कर दी है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन की तरफ से हमेशा से ही सेवा कार्य चलते आ रहे हैं और हमें लगा कि हम शाम को घूमते हैं या हम देखते हैं कि घास और पूरे ग्राउंड में घास उगा हुआ है, तो हमें लगा कि हमें इसको उखाड़ना चाहिए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुजानपुर इकाई हमेशा लगातार कार्य करती रही है, सेवा कार्य हमेशा करते रहेगी और हम आगे भी ये कार्य जारी रखेंगे। सर, क्या लगता है आपको कि प्रशासन इस कार्य करने में असमर्थ नजर आ रहा है? क्या लग रहा है सर आपको? हमें प्रशासन, क्योंकि ये प्रशासन का ही कार्य नहीं है, ये हम लोगों का भी कार्य है, ये आम लोगों का पब्लिक का कार्य है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट खेलते हैं शाम को, युवा लोग सभी खेलने आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अगर ये एक्चुअल में घास दूसरा है, अगर इसको उखाड़ेंगे नहीं तो ये फिर से उग जाता है। तो इसलिए अगर हम सभी मिलकर जैसे युवा अपनी अपनी पीछे ही साफ करेंगे तो इसमें सबसे सहयोग हमारा भी रहेगा, क्योंकि ये प्रशासन का ही काम नहीं है, ये हमारा आम लोगों का, आम जनता का भी काम है। आज इन्होंने बड़ी अच्छी बात युवाओं के माध्यम से इसमें कही गई है कि ये कार्य सरकार का नहीं, प्रशासन का नहीं, बल्कि आम युवाओं का और आम आदमी का भी ये कार्य बनता है कि इसको घास को उखाड़ा जाए, ताकि ये शहर स्वच्छ और सुंदर जो शहर बनना सुजानपुर है उसका मिशन भी पूरा कर दिया जाए। और ये घास है ना केवल, ये युवा प्रदेश सरकार और प्रशासन और नगर परिषद को भी संदेश देते नजर आ रहे हैं कि इस चुगान की रखरखाव और जो झाड़ियां हैं वो ना केवल इसको सुंदरता को ग्रहण लगा रही हैं, बल्कि जो इसमें जहरीली घास है वो आने जाने वालों के लिए भी खतरे से घंटी बजती नजर आ रही है, क्योंकि इस घास में कहीं सांप और बिच्छू का भी जो है प्रकोप वो देखने को मिलता रहा है, कहीं अनहोनी ना हो जाए। इसी कारण इन युवाओं ने इस घास को उखाड़ने के लिए पहल भी शुरू कर दी है और प्रशासन की भी उन्होंने गुहार लगाई है कि इस घास को उखाड़ने का जो कार्य है वो कर दिया जाए। और इस घास को उखाड़ने के लिए भी लगातार जो ये युवा वर्ग है वो कार्यकर्ता नजर आज सुजानपुर में आया हुआ है और उन्होंने साफ किया है कि उन्होंने आग्रह भी किया है आम जनता से कि इस घास को उखाड़ने के लिए वो हमारा साथ दें, ताकि ये शहर देखने में सुंदर और स्वच्छ दिखे। राजन मेहता के साथ, मैं जसवाल जी के साथ, राजन मेहता, सोनपटिया।